Hello my beautiful angels, I am Kainath and welcome back to my channel Kainaths Glamour. So today I am going to show you this look that we have done right here. So this is a rusty brown smokey eye look. So I hope you will enjoy the tutorial, and if you have any request regarding any makeup tutorial, you can comment down below and I'll love to do that. I hope you all have subscribed to my channel. If not, then please do subscribe to my channel. If you like this video, do give it a thumbs up and do follow me on my Instagram handle right here. So I hope you'll enjoy the tutorial. Here I am. चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ. सबसे पहले मैं अपने फेस को क्लीन कर लूँगी विथ अ वेट वाइप, और मैं उसके बाद यूज़ करूँगी लॉरियल पैरिस का क्रिस्टल माइक्रो एसेंस. इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने रिव्यू किया है अपने चैनल पे, तो आप चेक कर सकते हो. लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फ्यूशिया का बेरी ब्लेंड जेल, एंड दिस इज़ अमेजिंग एज अ मॉइस्चराइजर अगर आप ऑयली स्किन से हो तो. अगर आप एक इसका सेपरेट रिव्यू चाहते हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई लव टू डू दैट. मैं आप लोगों के लिए वो बना दूंगी. तो मैं अच्छी तरीके से फेस को मॉइस्चराइज कर रही हूँ, और फिर मैं स्टार्ट करूँगी सबसे पहले अपनी आईज़ के साथ. तो आईज़ के लिए सबसे पहले मैं अनस्ताजिया का डिप पोमेड लूँगी इन द शेड चॉकलेट टू फिल इन माई आईब्रोज, और इस तरीके से मैं फिल कर रही हूँ अपने आईब्रोज को. अगर आपको इफ़ यू वॉन्ट टू नो कि आप किस तरीके से अपने आईब्रोज को फिल कर सकते हो, तो मैंने ऑलरेडी पास्ट में एक वीडियो किया है हाउ टू फिल योर आईब्रोज एट होम, और अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं लिंक कर दूँगी. अगर आप एक अपडेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ निक्स का वंडर स्टिक इन द शेड मीडियम, और मैं इसका हाइलाइटिंग शेड अपने आई बेस के जैसे यूज़ कर रही हूँ. मुझे कवरेज इतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने मैक का स्टिक कंसीलर लिया इन द शेड NC20, एंड आई एम ब्लेंडिंग इट आउट. उसके बाद मैं सेट कर रही हूँ विथ अ लूज पाउडर, और मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे अगेन अनस्ताजिया का डिप पोमेड इन द शेड चॉकलेट एज माई आई बेस, स्मोकी आई बेस. ठीक है, तो स्मोकी आई बेस आप जब भी कर रहे हो, आप लोगों को इसे अच्छी तरह ब्लेंड करना है. आपको एक जेल बेस चाहिए तो आपको, मैंने यहाँ पे एक ब्राउन जेल बेस लिया है. अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप कलर यूज़ करना है, ब्लैक स्मोकी आई करना है, तो आप ब्लैक जेल लाइनर यूज़ कर सकते हो. मैंने यहाँ पे ब्राउन जेल पोमेड लिया है, और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ब्यूटी ग्लेज का गॉर्जियस आई पैलेट, और मैं इसमें से ये डार्क ब्राउन लूँगी एक ब्लेंडिंग ब्रश पे, और मैं इसे अच्छी तरीके से टैप कर रही हूँ जहाँ पे भी मैंने जेल पोमेड लगाया है, और मैं इसे क्रीज पे ब्लेंड कर दूँगी जस्ट बिकॉज वो हार्श लाइन नहीं दिखे. उसके बाद मैं ये वॉर्म ब्रिक ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ फॉर्म एज माई क्रीज कलर, तो मैं इसे अपने क्रीज पे प्लेस करूँगी और इनवर्ड आउटवर्ड मोशन में ब्लेंड करूँगी अच्छी तरीके से. इस कलर से हमें वो फील आएगी कि रस्टी ब्राउन स्मोकी आई बनी है. उसके बाद मैं एक मस्टर्ड कलर यूज़ कर रही हूँ, और मैं इसे एज अ ट्रांजिशन कलर यूज़ करूँगी. आप जब नॉर्मली आई मेकअप करते हो तो यू गो फ्रॉम ट्रांजिशन टू क्रीज देन टू लिड, लेकिन स्मोकी में इट इज़ रिवर्स. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एल्फ का हाइलाइटर फॉर माई ब्रोबोन. मैं यहाँ पे एक ब्लैक आई शेडो यूज़ कर रही हूँ, और एक एंगल ब्रश के हेल्प से मैं इस तरीके से अपने लैश लाइन पे लाइन कर रही हूँ जिस तरीके से हम लोग आईलाइनर लगाते हैं, पर मैंने यहाँ पे कोई आईलाइनर नहीं यूज़ किया. आई एम जस्ट यूजिंग द ब्लैक आई शेडो. ब्लैक आई शेडो को इस तरीके से लैश लाइन पे फिल करूँगी जैसे हम लोग आईलाइनर करते हैं, एंड सी हाउ इट लुक्स. तो ये आपको एक बहुत डिफ्यूज आईलाइनर लुक देता है, एंड इट इज़ वेरी सॉफ्ट स्मोकी काइंड ऑफ लुक. उसके बाद फॉल आउट को क्लीन कर रही हूँ, और स्टार्ट करते हैं बेस के साथ. हाँ, मैं यूज़ कर रही हूँ माई मैक का प्रेप एंड प्राइम स्प्रे इन द शेड गोल्ड लाइट, और मैं इसे अच्छी तरीके से अपने फेस पे इमल्सीफाई कर लूँगी. यूज़ करूँगी एले गर्ल का HD प्रो कंसीलर इन द शेड वॉर्म हनी, और मैं इसे अपने ब्लेमिशेस पे अप्लाई कर लूँगी, अंडर आई पे और एक्ने स्पॉट्स पे. ये कंसीलर जो है ये एक शेड डार्कर है मेरी स्किन टोन से, तो ये अच्छी तरीके से मेरे ब्लेमिशेस को हाइड कर देगा. उसके बाद मैं इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दूंगी, एंड अगर आपको सेम प्रॉब्लम है आप भी एक शेड डार्कर जाके यूज़ कर सकते हो एज अ कलर करेक्टर, वो आपके ब्लेमिशेस को हाइड कर देगा. उसके बाद मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन. तो फाउंडेशन के लिए आज मैं यूज़ करूँगी पैक का HD फाउंडेशन. तो ये है इन द शेड 1.6, और ये थोड़ा सा लाइटर है, वे टू मच लाइट है मेरी स्किन से, तो मैं इसे
किस तरीके से यूज़ करूँगी मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको बहुत कम प्रोडक्ट लेना है अगर आपके पास लाइटर फाउंडेशन है तो, और आप इसे अच्छी तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं। मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें आप देख सकते हो किस तरीके से आप फ्लॉलेस बेस कर सकते हो, तो प्लीज़ चेक दैट आउट अगर आपको देखना है कि फ्लॉलेस बेस कैसे किया जाता है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी मैक का स्टिक कंसीलर अगेन इन द शेड NC20, और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ निक्स का वंडर स्टिक, और मैं इसका क्रीम कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ टू कॉन्टोर माई फेस, और मैं इसे कॉन्टोरिंग पार्ट पे लगाऊंगी। मैं यहाँ पे क्रीमी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ आई नो, बट अगर आप ब्लेंडिंग कर सकते हो देन यू कैन मैनेज ऑल द क्रीम प्रोडक्ट्स, और मैं इसे फोरहेड पे भी अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मुझे एक रैंडम ब्लश मिला, आई डोंट नो कि ये किस ब्रांड का है, बट दिस इज़ अमेजिंग, मतलब इट वर्क अमेजिंगली। तो ये क्रीम ब्लशर है, मैं इसे इस तरीके से अप्लाई कर दूंगी, एंड स्टार्टिंग ऑफ मैं सबसे पहले ब्लेंड करूंगी अपने कॉन्टोर को। तो ब्लेंडिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से करनी है, आप जितनी अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग करोगे उतना अच्छा आपका बेस होगा, उतना लॉन्ग लास्टिंग होगा आपका बेस, उतना ज़्यादा नेचुरल दिखेगा आपका बेस। अगर आप अच्छी तरीके से ब्लेंड नहीं करोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। ब्लश के लिए मैं एक अलग ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट वॉन्टेड कि मैं इसे यूज़ कर लूँ फेस पे और कहीं ये बाई मिस्टेकली ये लग जाए और पिंक हो जाए पूरा फेस, तो मैं एक अलग ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ फॉर द क्रीम ब्लश। लास्टली मैं अपने अंडर आई पे जो कंसीलर हाईलाइट करने के लिए लगाया था उसे ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मालियों का लूज पाउडर इन द शेड 4.0, और मैं इसे अपने फेस को सेट कर दूँगी। सबसे पहले मैं अपने अंडर आईज़ को एंड अराउंड द माउथ सेट करूँगी बिकॉज दिस एरिया क्रीज वेरी यू नो वेरी जल्दी, हाँ बहुत जल्दी लाइन्स आ जाती है, तो या और उसके बाद मैं पूरे फेस को सेट करूँगी। नेक्स्ट टाइम यूजिंग एल्फ का कॉन्टोर पैलेट एंड आई एम यूजिंग दिस ब्राउन कलर फॉर कंटोरिंग फॉर द पाउडर कंटोर थिंग, एंड मेरे को बहुत थोड़ा सा पाउडर कंटोर करना है बिकॉज ऑलरेडी मैंने क्रीम कंटोर किया है, तो आई हैव टू अप्लाई अ वेरी लिटिल बिट ऑफ द प्रोडक्ट एंड यू कैन सी दैट कट। ये कट आपको तभी दिखेगा जब आप क्रीम कंटोरिंग करोगे, अगर आप पाउडर कंटोरिंग से ये कट पाना चाहते हो इट इज़ नेक्स्ट इम्पॉसिबल, सो डोंट डू इट। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेबीलिन का चीकी ग्लो इन द शेड सिनेमन, आई लव दिस ब्लश, दिस इज़ सो अमेजिंग, अ एवरी डे ब्लश काइंड ऑफ थिंग। आई डोंट नो वाई मेबीलिन हैज स्टॉप्ड यू नो मेकिंग दिस। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एल्फ का बेक हाईलाइटर, दिस इज़ इन द शेड मूनलाइट पर्ल्स एंड आई एम हाईलाइटिंग इट, यू कैन सी हाउ गॉर्जियस इट लुक्स, दिस इज़ सो अमेजिंग। लाइक आई हैव रिसेंटली यूज एल्फ के प्रोडक्ट्स एंड आई एम लविंग द प्रोडक्ट्स and they are really really worth it and amazing, and they are not very much expensive, so it is in pocket or yeah, I am loving it. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एक कोल पेंसिल, दिस इज़ द कोल पेंसिल इज़ फ्रॉम मालियो कॉस्मेटिक्स, और मैं एक ब्लैक कोल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्टेड दैट यू नो स्मोकीनेस। तो और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ द वॉर्म ब्राउन शेड जो मैंने क्रीज में यूज़ किया था फॉर माई लोअर लैश लाइन। लैशेज़ के लिए मैं अपने खुद के ब्रांड्स के लैशेज यूज़ करूँगी, इफ़ यू डोंट नो गेस आई हैव अ ब्रांड फॉर लैशेज, तो आप इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो फॉर किक कॉस्मेटिक्स, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप प्लीज़ चेक करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी देयर। और उसके बाद मैं लिपस्टिक के लिए यूज़ कर रही हूँ हुदा ब्यूटी की डेमी मैट लिपस्टिक इन द शेड, तो ये मुझे एक्चुअली मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया है, दो दिस इज़ अ डेमी मैट लिपस्टिक का सेट, दैट इज़ नॉट ओरिजिनल, दैट इज़ ऑफकोर्स अ प्रीमियम कॉपी, बट या इट वर्क्स ग्रेट, इट इज़ नॉट लाइक दैट 50 and 100 रुपीज़ वाला लिपस्टिक दैट यू गेट यू नो ऑन द रोड साइड, इट इज़ नॉट लाइक दैट, सो दिस इज़ अमेजिंग, इट वर्क्स ग्रेट, इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, इट डजेंट चैप माई लिप्स, इट इज़ ग्रेट टू यूज़। देन मुझे इतना कलर यू नो आई डोंट वॉन्टेड अ वेरी सिमिलर आई एंड लिप कलर, तो मैंने इसे म्यूट डाउन किया विद अ लाइटर शेड जस्ट लाइक दैट, एंड मैं इसे अपने फिंगर से टैप कर रही हूँ टू ब्लेंड द लिपस्टिक। जब भी आप लिपस्टिक लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रहे हो, यू आर यूजिंग टू कलर्स, देन मेक श्योर आप फिंगर से टैप करके उसको ब्लेंड करो, तो बहुत अच्छा यू नो इवन सा लुक आएगा, वरना अगर आप ब्रश यूज़ करते हो तो आपकी लिक्विड लिपस्टिक वहाँ से हट जाती है वो एरिया से, तो फिंगर इज़ द ग्रेट थिंग यू कैन यूज़। सो दिस इज़ हाउ माई लुक टर्नड आउट, एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि कैसे लग रहा है आप लोगों को ये। एक ऑफकोर्स एक वेडिंग लुक है, एक वेडिंग गेस्ट लुक है, एक पार्टी लुक है, इट इज़ वेरी मच यू नो
अ लुक जो आप एक वेडिंग में, एक पार्टी में वेयर कर सकते हो. ऑफ कोर्स यू कैन वेयर इट एट होम ऑल्सो बिकॉज इट्स क्वारंटीन लाइफ, तो हम क्या करें, घर पे बैठ के कुछ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से. तो दिस इज़ हाउ माई लुक टर्नड आउट. और ये जो लुक आप जो देख रहे हो ये फिलहाल रिंग लाइट में कुछ इस तरीके से दिख रहा है जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है. मैं आपको नेचुरल लाइट में दिखाती हूँ. तो दिस इज़ हाउ इट लुक्ड इन नेचुरल लाइट एंड येस आई नो इट लुक अमेजिंग. तो या ये बहुत अच्छा, बहुत फ्लॉलेस, बहुत अमेजिंग दिख रहा था. इट वॉज़ लाइक बस मुझे कहीं जाने नहीं मिल रहा था. आई वॉज कैरिंग दिस लुक एट माई होम इट सेल्फ. तो या आई होप कि आपको ये लुक अच्छा लगा होगा. अगर आप इसे रिक्रिएट करते हो डू नॉट फॉरगेट टू टैग मी ऑन इंस्टाग्राम. मेरे जितने भी सोशल मीडिया के IDs हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आई होप यू लव द ट्यूटोरियल. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट इफ यू लव द ट्यूटोरियल. आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, bye, take care.